Let's see, what do we mean by sampling distribution of estimator? Let me take a sample of size 100. Let's we take a sample of size 100, to n हमने 100 set कर दिया. X, R में ये जो less than or equal to का sign होता है, ये equal के लिए use होता है. R norm, यानी कि normal distribution से हमने कितने sample draw किए हैं? 100. N क्या लिखा हुआ है? 100. बजाय इसके कि हम यहाँ 100 लिखते, we have written here n equal to 100, mean 0, standard deviation 1. So standard normal distribution, we have 100 sample of X. Again, W, we have standard normal 100 sample of size 100, mean 0, standard deviation. E, 0.5 times W, तो error आप इस तरह से define कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आप इसको यहाँ पे W को define करें, मैं जाके यहाँ loop के inside भी define करता हूँ. Whereas number of simulations कितनी है? We have 1000. Means कि we are going to take 1000 samples of size 100. First of all, we are going to take a sample of size 100. One time, two time, three time, four time, five times. Every time we are going to regress y on x. Every time we'll have beta 1 hat, beta not hat. हमें ये पता है कि beta 1 is equal to 0.5, beta 2 equal to 0.5. ये हमने simulation की, कि ये हमारा जो results हैं वो इसमें store कर दो. जो हमारे results हैं वो इसमें store कर दें. For I, 1 to number of random simulations. तो 1 से लेके 1000 तक आपने simulation करनी है. Sorry. Set dot seed का मतलब ये है कि अगर आप यही वाली set dot seed करेंगे तो आपके और मेरे results match करेंगे. Otherwise, आपका sample ये वाला कोई और हो जाएगा, मेरा कोई और हो जाएगा. Look here. ये हमने जो किया है, ये क्या चीज है? ये वही चीज है. B1 plus B2 times X. 0.5 intercept है, 0.5 slope है, times X plus error term. चाहे तो आप इसको X को यहां से W दे देते, चाहे आप directly error term लिख लें. तो ये simple हमने model लिखा, Y is equal to B1 plus B2 X plus U. तो ये कितनी दफा repeat होना है? 1000 times. Sample size क्या है? 100. हमने ये देखे मॉडल 7 रिग्रेस किया और ये एल एम वाई एन एक्स का मतलब ये है कि आपने वाई को एक्स पे रिग्रेस कर दिया. आपने कोएफिशिएंट नंबर 2 ले लिया. ये देखिए आई का मतलब है 1 से लेके 1000 कोएफिशिएंट्स जो है वो जनरेट होंगे क्योंकि हमने इस प्रोसेस को 1000 टाइम्स जनरेट किया. ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है हम सिर्फ स्लोप कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास लूप क्लोज होता है तो ये MB2 आ गया, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट आ गया और मैंने इसको एक डेटा फ्रेम बना के, तो अब चूंकि मेरे पास कितने जो है वो रैंडम सिमुलेशंस आ जाएंगी, 1000 रैंडम सिमुलेशंस, विच मींस कि आई हैव 1000 वैल्यूज ऑफ बेटा हैट. इन प्रैक्टिस वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ बेटा हैट. सो I am going to run this for you so that you get an idea. We have a sample of size 100. We have another values of X size 100. Ye na bhi karein kyunki ye humne udhar kiya hua hai. We are going to repeat this process 1000 times. Intercept value is 0.5. Slope value is 0.5. We are going to generate beta hat 1000 times. This is my loop jisme maine जो है वो एक से 1000 टाइम्स तक उसको रन किया, वाई को एक्स पे रिग्रेस किया, प्लस एरर्स हैं, एंड आई हैव स्टोर द रिजल्ट्स इन VB2i और उसको बाद में मैंने, तो ये देखिए अगर एक स्लोप लेता, अगर मैं सिंपल यहाँ पे LM को एक ही दफा वाई को रिग्रेस करता तो आपके पास वैल्यू 0.5 ना आती. अभी ये इस पे मैं बाद में आता हूं. इस वक्त आप देखें तो ये जब मैंने एवरेज लिया इसका, तो इसकी एवरेज क्या बनी है? MB2, ये मैं रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देता हूं. तो इसकी एवरेज 0.52 आएगी.
ये अनबायस्ड डेथ है। ये देखिए 0.4988, यानी कि अगर मैंने 1000 डेटा हेट लिए और उनकी एवरेज ली तो दैट इज इक्वल टू अनबायस्ड एस्टिमेटर। मैं भी बात करता हूं इस पे, ये मैंने इस डेटा फ्रेम ले लिया, ये देखिए ये मेरे पास हिस्टोग्राम बनी है, दिस इज माय हिस्टोग्राम। यूजुअली हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास हिस्टोग्राम बनी है, तो हमारे पास ये 1000 डेटा हेड है, बट यूजुअली वी अस्यूम वी हैव ओनली वन डेटा हेड एंड वी अस्यूम कि वो वन डेटा हेड कहीं यहां से आया हुआ है, वो इन 1000 में से कहीं से इस जगह से आया हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड जो है ना वो आपके पास जो है वो हम कहते हैं वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट डेटा हेड फॉलोस स्टैंडर्ड नॉर्मल, या डेटा हेड फॉलोस नॉर्मल विद मीन 0.5। स्टैंडर्ड एरर भी यहाँ पे आ गया था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी आ गई है, तो SEBQ, तो हम ये कहेंगे कि दी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.11 है और उसका वैल्यू जो है मीन जो है वो 0.5 है। नाउ लुक एट दिस, ये 1000 टाइम्स किया तो ये 0.4998 आया। हम अगर सिंगल टाइम करें तो व्हाट्स द रिजल्ट, ये जरा चेक कीजिए। इफ वी डू LN, एक सिंगल सैंपल पे होगा Y ऑन X, ये देखिए ये X की वैल्यू 0.67 हो सकती है, हालांकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी 0.5, हमारे पास क्या आ गई 0.67। लेट्स डू इट अगेन, ओके अगेन मुझे पीछे वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए 0.54, मीन सिंगल सैंपल जो है ये 0.67 0.54, तो ये सारा यहां पे ये सारी मिलके 0.54 0.65 0.25, बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जब हम इस प्रोसेस को एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो आपके पास इन प्रैक्टिस रियल लाइफ में चीज आती है वो ये वाली आएगी 0.54, तो 0.50 के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को 1000 दफा करते या 10000 दफा करते और ये 0.54 0.67 0.29 इन सब की एवरेज लेते तो वो 0.5 के इक्वल आ जाती। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड सैंपलिंग और दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर। मैं इस पे बाकायदा एक फॉर्मली वीडियो बना के अपलोड करूंगा, यू कैन वॉच दैट, उसमें मैं कोशिश करूंगा ज्यादा जो है वो एक फॉर्मल वे से कर दूं। एनी क्वेश्चंस?